हेलो स्टूडेंट्स आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगाम टुडे क्लास इज सिक्स बुक हिस्ट्री चैप्टर टेन न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स तो इसका सब टॉपिक है आज हमारा ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी लाइक अर्लियर रूलर्स तो पहले के रूलर्स की तरह सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी तो ये क्या करते थे जो बादशाह होते थे ये मेंटेन करते थे अपनी आर्मी इसको वेल well ऑर्गेनाइज्ड रखते थे किसके साथ रखते थे विद एलिफेंट्स चेराइड्स कावलरी एंड फुट सोल्जर्स तो जो इनकी आर्मी होती थी इसमें हाथी होते थे कुछ आर्मी हाथी पे होती थी कुछ रथों पर होती थी कुछ घोड़ों पे होती थी और कुछ आर्मी सोल्जर्स जो होते थे इनके वो पैदल होते थे बिस there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them to iske alawa kya hota tha ki kuch military leaders hote the leaders hote the उनको समनताज कहा जाता था ये जो military leaders होते थे ये provide करवाते थे बादशाह को army देते थे जिस time भी बादशाह को army की ज़रूरत होती थी तो उस टाइम ये महा समाज जो होते थे ये मिलिट्री लीडर्स होते थे ये आर्मी प्रोवाइड करवाते थे बादशाह को दे व्य नॉट पेड रेगुलर सैलरी तो उनको रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी इंस्टंट सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड तो उनको क्या दिया जाता था उनको लैंड दी जाती थी ज़मीन दी जाती थी दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्राम द लैंड तो वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू टैक्स लेते थे इस ज़मीन से कलेक्ट करते थे एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स तो वो ये जो टैक्स लेते थे वो किसके लिए यूज़ करते थे वो मेंटेन करते थे आर्मी आर्मी बनाने के लिए मेंटेन करने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए और हॉर्सेज रखने के लिए एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर फॉर वारफेयर तो जो जंग में जो भी इक्विपमेंट जो भी हथियार जरूरत पड़ते हैं घोड़े और आर्मी ये सब चीज़ों के लिए वो पैसा इस्तेमाल करते थे वो टैक्स यूज़ करते थे दीज मैन वी आर नोन एज सामानताज तो जैसे मैंने पहले बताया ये जो मिलिट्री लीडर्स होते जो जो बादशाह को आर्मी प्रोवाइड करवाते थे मिलिट्री प्रोवाइड करवाते थे उनको सामानताज कहा जाता था वेन एवर द रूलर वॉज वीक तो जब कोई बादशाह या हुक्मरान कोई हुकूमत जो करता था वो वीक हो जाता था तो ये समन्ताज जो होते थे ट्राई टू तो बिकम इंडिपेंडेंट तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लगते थे अपने आप को बादशाह मानने लगते थे तो इसी के साथ एक और छोटा सा सब टॉपिक है असम्बलीज इन द सादर्न किंगडम्स तो साउद किंगडम्स में जो सऊदन की सल्तनतें होती थी वहाँ पे असेम्बलीज़ कैसी होती थी सभा कैसी होती थी द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पालवाज मैंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेम्बलीज़ तो जो लिखी हुई जो हमें मिलता है जो कुछ भी पालवास के उसमें मेंशन है कि जो नंबर ऑफ लोकल असम्बलीज़ होती थी उन उनके बारे में लोकल असम्बलीज के बारे में इंस्क्रिप्शंस में हमें पता चलता है दी इंक्लूडेड द सभा इनमें क्या होता था इनमें सभा होती थी विच वॉज एन असेम्बली ऑफ ब्राह्मण्स जो ये असम्बली होती थी ये जो सभा होती थी ये किसकी होती थी ये होती थी ब्राह्मण्स की लैंड ओनर्स जो ज़मींदार होते ज़मीन के जो मालिक होते थे दिस असेम्बली फंक्शन थ्रो सब कमिटीज़ तो जो ये असेम्बलीज़ होती थी ये फंक्शन करती थी सब कमिटीज़ जो ये असम्बलीज़ होती थी ये फंक्शन करते थे किसके ज़रिए किसके थ्रू करते थे सब कमिटीज़ के छोट छोटी छोटी कमिटीज़ बनी होती थी विच लुकड आफ्टर इरीगेशन तो कोई इरीगेशन के आपाशी के बारे में देखते थे कोई एग्रीकल्चरल ऑपरेशन ज़मींदारी काम काज कोई आपाशी का काम 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 काज कोई मेकिंग रोड्स सड़कें बनाने का कोई मंदिरों का लोकल टेंपल्स एक्स्ट्रा तो अलग अलग छोटी चोड़ छोटी कमेटीज़ बनी होती थी जिनके अलग अलग काम दिए जाते था दिए जाता था द ए विलेज असम्बली तो जो ये उर् है ये क्या होता था ये एक विलेज असेंबली होती थी फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वे नॉट नाट ये वहाँ पे होती थी जहाँ पे ब्राह्मणस नहीं होते थे लैंड ओनर्स जो होते थे वो ब्राह्मण नहीं होते होते थे एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स तो क्या होता था वहाँ नगरम जो होते थे वाज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ये व्यापारियों की एक ऑर्गनाइजेशन होती थी इट इज़ लाइक दैट डेट दीज असम्बलीज वी आर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स तो यहाँ पे भी आम की तरह ही आम जैसे हर जगह पे रिच और पावरफुल जो होता है लैंड ओनर जो होता है अमीर होता है वही कंट्रोल करता है तो यहाँ पे भी ऐसा ही चलता था इट इज़ लाइक दैट दीज असम्बलीज इन असेंबलीज़ को भी कंट्रोल कौन कर, करते थे अमीर करते थे जो पावरफुल होते थे जो ज़मीनों के मालिक होते थे और बड़े बड़े व्यापारी होते थे मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज तो जो ये लोकल असेंबलीज होती थी ये फंक्शन करती थी सेंचुरी सदियों तक चलती थी ये तो आज का ये टॉपिक इतना ही है थैंक यू तो थोड़ा सा और रहता है ये हम नेक्स्ट में वीडियो में करेंगे